हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका वासोलिया। स्वागत है आपका हमारे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग चावल। ये बहुत ही सिंपल पर टेस्ट में एकदम लाजवाब रेसिपी है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छी है। अगर आपको कुछ हल्का खाने का मन हो तब आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। ये एक ऐसी वन पॉट रेसिपी है जिसे कोई भी बहुत ही आसानी से बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप मूंग चावल बनाएं तो चावल को आधे घंटे पहले और मूंग को एक घंटे पहले भिगो के रख दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावल बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने जिस बर्तन में मुझे चावल पकाना था उसी बर्तन में मैंने आधे कप चावल को धोकर उसमें एक कप पानी डालकर आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उसी बर्तन को गैस पे हम रख देंगे। अब उसमें स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और अब इसमें डालूंगी मैं आधा छोटा नींबू का रस। तो अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दूंगी और चावल को 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। 8 मिनट हो चुकी है, चावल को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं चावल के बीच में से बबल्स निकल रहे हैं। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। तो अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे फिर से पका लूंगी। तो 2 मिनट हो चुकी हैं, चावल को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो चावल हमारे बनके रेडी हैं। तो चलिए इसे साइड पे रख देते हैं और अब बनाते हैं मूंग। मूंग बनाने के लिए हमें क्या चाहिए तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे भिगोया हुआ मूंग है। तो मैंने आधे कप मूंग को पानी से धोकर उसमें 1.5 कप गर्म पानी डालकर उसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब हमें चाहिए छोटा टुकड़ा अदरक, 6-7 लहसुन की कली, 3 हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और फिर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून राई और 3 टेबलस्पून ऑयल। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और उस पे मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है और उसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून राई। राई थोड़ी सी क्रैक होने लगे तब हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और अदरक लहसुन और मिर्च की मैंने नमक डालकर पेस्ट बना ली है तो वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया है ताकि मसाला जल ना जाए। अब हम मूंग में जो पानी है 1.5 कप पानी है तो वो निकाल देंगे, पर इसे फेंकेगा मत, वही पानी हम यूज करने वाले हैं। अब हम कुकर में मूंग को डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर। अगर आप धनिया पाउडर और जीरा पाउडर अलग रखते हैं तो दोनों को 1/2 टीस्पून ले लीजिए। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। अगर अदरक और लहसुन मिर्च की पेस्ट बनाते टाइम आपने नमक का यूज किया हो तो नमक अभी कम रखिएगा। और अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब 2 मिनट तक उसे ऐसे ही मूंग को मसाले के साथ पकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से उसे ढक दिया है। आपके पास ऐसी छेद वाली ढक्कन ना हो तो कुकर के ढक्कन में से सीटी निकाल कर आप ढक सकते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें जो मूंग का जो मैंने पानी निकाला था तो वही पानी हम सारा डाल देंगे। यहाँ पे पानी थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि हमें इस मूंग को चावल के साथ खाना है, उसकी सब्जी नहीं बनानी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके उबाल आने तक इसे पकने देंगे।
आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ रहा है। अब हम कुकर के ढक्कन में से सीटी निकालकर ढक्कन को बंद कर देंगे और फिर उसमें सीटी लगा देंगे। और अब गैस की फ्लेम को मीडियम करके कुकर में 4 सीटी लगा देंगे। तो देखिए कुकर की 4 सीटी लग चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कुकर में से पूरी हवा को हम निकाल देंगे। जब भी मैं कोई ग्रीन सब्जी कुकर में बनाती हूँ तो ये प्रोसेस करती हूँ ताकि सब्जी का जो ग्रीन कलर है वो बना रहे। आप देख सकते हैं मूंग का ग्रीन कलर बना हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया है, इसलिए गैस की फ्लेम को ऑन करके 2 मिनट तक टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं तैयार है हमारा मूंग, और चावल तो हमने पहले से बनाया हुआ है। तो चलिए इसे सर्व कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग चावल को पापड़, प्याज और नींबू के साथ सर्व किया है। बच्चे से लेके बूढ़े तक ये रेसिपी सबको पसंद आएगी। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और हाँ मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।